पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत अपने लगातार बढ़ते कुशल कार्यबल के साथ दुनिया के स्किल कैपिटल के रूप में तेजी से उभर रहा है। अगले दशक में भारत के पास लगभग 4 से 5 करोड़ की अधिशेष जनशक्ति होगी। हमारे पास दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम लिख करके रखे, आने वाले दशकों में विश्व को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं से मिलेगा तो हिंदुस्तान से मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प ने अमृतकाल में देश को एक नई दिशा दी है और इस संकल्प के साथ हमारी युवा शक्ति को आवश्यक कौशल और क्षमताएं प्रदान करके हम नए भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 अप्रैल 2017 को रखी गई और आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इस इंजीनियरिंग कॉलेज के राष्ट्र को समर्पण का पूरा हिमाचल साक्षी बन रहा है। ये संस्थान आने वाले समय में पन्न विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य रोजगार के क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने में सहायक होगा। कॉलेज को नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC की 125 करोड़ की वित्तीय सहायता से 11.6 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कॉलेज में विद्यार्थी 4 इंजीनियरिंग विषयों सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकेंगे। परिसर में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक और सभी सुविधाओं के साथ सुसज्जित छात्र व छात्राओं के छात्रावास हैं। गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 5वां सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।